वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा 11 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी से अपेक्षा के अनुरूप परिणाम न मिलने के बावजूद मोदी सरकार 3.0 में भी यूपी को पूरा सम्मान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय कैबिनेट में राजनाथ सिंह का शीर्ष दर्जा कायम है। राज्यसभा सदस्य हरदीप सिंह पुरी को कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। मोदी कैबिनेट 3.0 में यूपी को 7 राज्य मंत्री भी हासिल हुए हैं। मोदी सरकार 2.0 के मुकाबले यूपी का प्रतिनिधित्व संख्या के लिहाज से भले ही कुछ कम लग रहा हो, लेकिन एनडीए सांसदों की कुल संख्या के नजरिए से इनका प्रतिशत पिछली बार से बढ़ा है। साल 2019 में यूपी से एनडीए को 64 सीटें हासिल हुई थी, जबकि इस बार महज 36 सीटें मिलने पर भी 10 सांसद मंत्री बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। 80 में से 36 सीटें मिली हैं, इनमें से 11 मंत्री बनाए गए हैं, 9 बीजेपी, 1 जयंत की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस से 1 मंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लखनऊ से जीत दर्ज करने वाले राजनाथ सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं यूपी से राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। वहीं अगर राज्य मंत्रियों की बात करें तो आरएलडी अध्यक्ष पीलीभीत से चुनाव जीतने वाले जितेंद्र प्रसाद, महाराजगंज से चुनाव जीते पंकज चौधरी, आगरा से जीते एसपी सिंह बघेल, गोंडा से लगातार तीसरी बार जीते कीर्तिवर्धन सिंह, राज्यसभा से सांसद बनवारीलाल वर्मा, बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान और मिर्जापुर से चुनाव जीती अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। कुल मिलाकर यूपी में उम्मीदों से काफी कम सीटें पाने वाली बीजेपी ने मोदी कैबिनेट में यूपी के क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। मोदी कैबिनेट में यूपी से जिन चेहरों को जगह दी गई है उनमें ओबीसी, दलित, जाट, क्षत्रिय और ब्राह्मण शामिल हैं। बात चाहे अवध क्षेत्र की हो या फिर ब्रज क्षेत्र की, रुहेलखंड की हो या विंध्य क्षेत्र, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक हर क्षेत्र के नेताओं को मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।